हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ पल्लवी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ टायर के बारे में, व्हाट इज़ टायर, रॉ मटेरियल यूज इन टायर मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन ऑफ टायर, मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इस सब के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टायर क्या होते हैं? व्हाट इज़ टायर? टायर एक मजबूत लचीला रबड़ का रिंग जैसा होता है। टायर आपने देखा होगा कि रबड़ का होता है, बाहर से रबड़ जैसा दिखाई देता है और रिंग के जैसा होता है जो गाड़ियों के रिम से जुड़ा होता है। रिम और टायर दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। रिम अलग होता है, टायर अलग होता है। रिम में टायर को फंसाया जाता है और ज़मीन के संपर्क में आता है। टायर रिम पर अलग होते हैं और संपीड़ित हवा से भरे होते हैं। आविष्कार से बाद ही टायरों के निर्माण में प्राकृतिक रबड़ सबसे व्यापक रूप से उपयोगी की जाने वाली सामग्री है। इसमें जो बनाया जाता है वो रबर का यूज़ किया जाता है। अभी टायर सिंथेटिक रबड़, कपड़े, स्टील के तार, कार्बन ब्लैक और कुछ अन्य तकनीकी का उपयोग करके भी बनाया जाता है। सिंथेटिक रबड़, कपड़े, स्टील के तार, इसीलिए उसमें दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ कि मजबूती बनी रहे, वो कटे ना और उसकी लॉन्ग लाइफ हो जाए, इसीलिए उसमें स्टील के तार यूज़ किए जाते हैं। हम देखते हैं टायर का उपयोग। टायर का उपयोग ऑटोमोबाइल, ट्रक, बस, हवाई विमान, ट्रैक्टर्स और अन्य कृषि उपकरण, औद्योगिक वाहन में उपयोग किए जाते हैं। हम देखते हैं टायर बनाने के लिए क्या क्या कच्चे माल लगता है। तो टायर बनाने के लिए रबर का प्रयोग होता है। टायर बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक और सिंथेटिक रबर दोनों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के पेड़ों की छाल में दूधिया तलों के रूप में पाया जाता है। टायर निर्माण में प्रयुक्त कच्ची रबड़ का उत्पादन करने के लिए तरल लेट्रिक्स को एसिड के साथ मिलाया जाता है। एसिड एक केमिकल रिएक्शन है जिससे रबड़ को कठोर हो जाता है, अब लेट्रिक को एसिड के साथ मिलाया जाता है जिससे कि हमारी क्या हो जाती है, कठोर रबड़ कठोर हो जाती है और जम जाती है। रबड़ को प्रेस करके अतिरिक्त पानी को निचोड़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद जब ये क्रिया हो जाती है, लेडेक को एसिड के साथ मिला दिया जाता है क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है, रबड़ क्या हो जाती है, कठोर हो जाती है और वो जम जाती है, ठीक है। जैसे हमारी मिठाई जम जाती है, जब हम मिठाई बनाते हैं तो उसमें उसको पकाने के बाद में उसको भी ऐसे ही डाल दिया जाता है और जिस शेप में उसको डाला जाता है, जैसे हम थाली में डाल देते हैं तो वो जम जाती है, इसी तरीके से ये भी जम जाता है। रबड़ को प्रेस करके अतिरिक्त पानी को निचोड़ा जाता है और रबड़ की चादरों की शेप में बनाया जाता है। बहुत बहुत बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, उसका जो मेल्ट होता है वो प्लेट्स में डाल दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर रोलर्स को घुमाया जाता है जिससे कि वो चादर का रूप ले लेता है। फिर इन चादरों को लंबी स्मोक हाउस में सुखाया जाता है। लास्ट में इन चादरों को सुखा लिया जाता है, ठीक है। इस तरह बनाई रबड़ कारखानों में भेज दी जाती है। सिंथेटिक रबर को कच्चे तेल में पाए जाने वाले पॉलीमर से बनाया जाता है। टायर रबर में दूसरा प्राथमिक घटक होता है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक एक महीन मुलायम पाउडर होता है। अब देखते हैं टायरों को डिज़ाइन कैसे किया जाता है। सॉफ्टवेयर संभावित टायरों को डिज़ाइन को 3D इमेज करते हैं। टायर डिज़ाइन पर विभिन्न तनाव के प्रभाव की गणना करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले कोई भी सॉफ्टवेयर होता है 3D का, उस पर 3D का डिज़ाइन किया जाता है, टायर की शेप का होगा, किस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद उसकी गणना की जाती है, उसके तनाव की गणना की जाती है। गणना मतलब कैलकुलेशन, कि उस पर कितना फोर्स लग सकता है, कितना वो लोड सह सकता है। इस तरीके की गणना हम पहले कर लेते हैं, जिससे कि हमें डिज़ाइन में आसानी होती है। अब देखते हैं मैक्सिमम ऑफ टायर रॉ मटेरियल। बेनबेरी मिक्सर में मिक्स करता है, इसकी क्षमता टनों में होती है। बेनबेरी मिक्सर में रबर, कार्बन ब्लैक व अन्य केमिकल डाल दिया जाता है। बेनबेरी मिक्सर के अंदर हीटिंग भी होती है, जिससे सारे रॉ मटेरियल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सारे मटेरियल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, वेल्डिंग मशीन ये क्या काम करती है? मशीन में एक सिलेंडर है जो रोटेट करता है। अब जैसा टायर बनता है उसकी डिज़ाइन के हिसाब से ये सारी लेयर्स जो आपको इस फोटोज़ में दिखाई गई हैं के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। सारी तरह इकट्ठी होने के बाद जो टायर निकलता है उसे ग्रीन टायर कहते हैं। ये अभी सिर्फ टायर जैसा दिखता है, लेकिन टायर नहीं है। ग्रीन टायर को टायर बिल्डिंग मशीन से हटा दिया जाता है। इस स्टेज में ये टायर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। अब देखते हैं टायर क्यूरिंग। अब क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग होता है टायर की सबसे लास्ट इमेज, जैसा लास्ट में बन के वो तैयार होगा। टायर के ऊपर जो ट्रेड पैटर्न बना होता है वो इसके क्यूरिंग जैसे स्टेज में बनता है। ये एक मोल्ड के जैसा होता है, जैसे मोल्ड में कोई भी शेप हम बनाते हैं वो प्रोडक्ट दूसरा उसी शेप का निकल के आता है। जिस तरीके का हमारा मोल्ड होता है, सेम इसी तरीके से ये भी एक मोल्ड होता है, जिसमें ट्रेड पैटर्न्स के अनुसार छापे बने होते हैं। अब ग्रीन टायर इस मोल्ड में डालकर गर्म किया जाता है, तो ग्रीन टायर का ऊपरी का भाग जो सड़क के संपर्क में आएगा वो मोल्ड के पैटर्न के अनुसार शेप ले लेता है। टायर के आकार के हिसाब से ही इसे ओवन में गर्म करने का समय तय किया जाता है। ओवन में करीब 20 मिनट तक इसको रखा जाता है। क्यूरिंग पूरे होने के बाद टायर को मोल्ड से निकालकर ठंडा किया जाता है और फिर टेस्ट किया जाता है। प्रत्येक टायरों का अच्छी तरह से परीक्षण किया जाता है, जिससे कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। टायर के साइड वॉल और इंटीरियर में रबड़ के बुलबुले या कटा फटा जैसा खामियां ना हों, इसीलिए टायर की बनने के बाद टेस्टिंग होती है कि वो कहीं से फटा तो नहीं है, या फिर उसमें कुछ रह तो नहीं गया है, कोई कमी तो नहीं रह गई है, ये सब चीज़ देखा जाता है। या टायर एक सीधी रेखा में चल सकता है या नहीं चल सकता है, ठीक है, टायर का शेप राउंड है या नहीं है, इस तरीके से टायर जब बन जाता है तो उसकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो ये था टायर का पूरा प्रोसेस जो मैंने आज आपको बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय। लेकिन अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।